इस समय मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे कुछ युवक हैं, जो वो युवक हैं जो आज फिर 6 महीने बाद अपनी धरती पर आए हैं, भारत में आए हैं। तकरीबन 6 महीने पहले ये युवक लीबिया गए थे काम की तलाश में, बट गैरकानूनी तरीके से इनके एजेंट ने इनको वहाँ फंसा दिया था। आप इनकी नम आँखों से, इनके परिवार वालों की नम आँखों से समझ सकते होंगे कि इन्होंने वहाँ क्या क्या महसूस किया, क्या क्या दर्द देखा। तो सर, पहले आपका नाम और आप कहाँ से हैं इंडिया में? मेरा नाम राहुल शर्मा है जी, मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो आप कब गए थे लीबिया? मैं लीबिया 4 महीने पहले गया था। 4 महीने पहले काम की तलाश में गए थे। तो वहाँ क्या हुआ आपके साथ? वहाँ जी हमारे साथ एजेंट ने फ्रॉड किया जी, और वहाँ जाके हमारे को लीबी को बेच दिया जी। ओके, लीबी मतलब लीबिया के एक स्थानीय निवासी को बेच जी, बतौर बॉन्डेड लेबर जिसे हम कहते हैं, गुलाम जिसे हम। जी सर, जी सर। तो वहाँ कैसा रवैया था आपका? रवैया सर, हमसे सर धक्के से काम करवाते हैं जी, मारपीट करते थे हमारे साथ, खाना खुना नहीं देते हैं जी। किस तरीके का काम करवाया जाता था? काम सर लेबर का, जैसे अपने इंडिया में लेबर काम करती है, मकान बनाने का या साफ सफाई का जो। कौन था ये एजेंट जिसने आपको फंसाया? एजेंट सर एक पाकिस्तानी एक इंडियन है जी। जो आप जो 17 लोग आए हो, तो आप वहाँ एक दूसरे को कैसे मिले? सर 5 तो जेल में मिले हैं जी, 12 हम एक जगह जैसे थोड़े थोड़े करके इकट्ठे होते गए जी। तो वहाँ आप कैसे सर्वाइव करते थे सर? सर बस ऊपर वाले था जी, सर्वाइव करवाने वाला, वैसे वहाँ तो कोई तरीका था ही नहीं जी, मौत ही थी वहाँ तो जी। तो फिर बाद में आपको जेल भी ले जाया गया, अरेस्ट भी? वो क्या कहानी है सारी? वो सर हमने सर एम्बेसी से संपर्क किया था जी, एम्बेसी ने सर उधर बात की पुलिस वालों से, तो हमें वहाँ से लीगल तरीके से निकाला गया। गुरदीप सिंह सानी जी से, विक्रमजीत सिंह सानी जी से हमारी बात हुई, एमपी जी से, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की जी। अगर हम आज जिंदा हैं तो सिर्फ इनकी वजह से हैं जी। तो जो 17 युवक थे, कहाँ कहाँ से हैं इंडिया में? सर कुछ हरियाणा से हैं, कुछ पंजाब से, 2 जम्मू से हैं। जब आप वहाँ थे तो क्या दिनचर्या रहता था आपका? सर वो सुबह आते थे, गाड़ी में डाल के काम पे ले जाते हैं जी, उनकी मर्जी थी, खाना देंगे ठीक है, नहीं देना ना से। रात को आते हैं सर, सिर्फ एक ब्रेड होता है सर, खुबजा, वो देना और चले जाना। सिर्फ एक ब्रेड पर आप 24 घंटे अपना मतलब जो खाना? कभी कभी सर 48 घंटे रहते थे, जहाँ टॉयलेट करना सर वही पानी पीना। जेल जैसे जिसे हम हालात, जेल से भी? सर जेल तो अच्छी होती है उससे, हम 2 महीने सर जेल में रहे हैं, जेल उससे 100 गुना अच्छी थी, वो तो सर नरक था। आप देख सकते हैं कि इनके परिवारजन हैं पीछे, इनके रिश्तेदार हैं जो उनका हाथ पकड़ के देख रहे हैं कि इनका जो बेटा है कितना कमज़ोर हो गया है। आप समझ सकते हैं कि इस समय जो परिवार है वो दुख में है, पर अभी उनके चेहरे पर फिर खुशी लौटती हुई दिख रही है, क्योंकि उनका जो लाल है वो फिर भारत वापस आ गया है, वो फिर अपनी धरती की तरफ आ गया है। कैमरामैन रविकांत के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।